इन पांच सजावटी वस्तुओं या कलाकृतियों को घर में रखने से होगा नुकसान डेकोरेटिव आइटम्स फॉर होम आजकल घर में भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपरागत सजावट नहीं की जाती है पाश्चात्य संस्कृति के चलते कई तरह की नकली सजावट का भी प्रचलन बढ़ गया है ऐसे में जानिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी पांच सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां नुकसान पहुंचा सकती है एक डॉट कांटेदार पौधे कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं अत घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है डॉट दो पुरानी टूटी वस्तुएं कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत है ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है डॉट तीन डॉट नकारात्मक पेंटिंग बहुत से घरों में देखा गया है कि जहां ऐसी पेंटिंग लगी होती है जिसमें क्या है यह कोई नहीं जानता या उसमें खंडे है सूखे शहर, हुआ घर या सूखा बंजर पहाड़ नजर आता है ऐसी पेंटिंग नकारात्मकता फैलाती है डॉट चार डॉट कलाकृतियाँ आजकल कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं घर में होती है जिसमें सूखे ठूंठ प्लास्टिक के नकली पेड़ या कोई ऐसी कलाकृति जिसे अश्लीलता झलकी हो यह सभी मृतप्राय सजावटी कलाकृतियां जो मानी तो जाती हैं कलात्मक लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं पाँच चित्र घर में ताजमहल जंगली व हिंसक जानवर रोते हुए बच्चे नंगे बच्चे युद्ध के दृश्य कटे पेड़ या ठू आदि के चित्र न लगाएं इसके अलावा अभिनेता या अभिनेत्रियों के चित्र बाइक कार मॉडल या अपने गुरु का बड़ासा चित्र भी न लगाएं